देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। मैं जाकिर खान जयपुर से। जैसा कि प्रेजेंट में अभी हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे और वहाँ से श्रीमान रफीक खान विधायक हैं और जो कि नगर निगम घाट गेट लगता है, यानी रोड के ऊपर इस पानी से पानी बह रहा है। नगर निगम घाट गेट की इतनी बड़ी लापरवाही है, यानी कोई भी नाली खुली हुई नहीं है। जरा सी 10 मिनट की बरसात होने से यानी आम जनता को आने जाने का जाने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस गंदे पानी से पब्लिक इतनी परेशान है, लेकिन घाट गेट नगर निगम प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही नज़र आती है। यानी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में, जबकि यहाँ से विधायक श्री रफीक खान है जो दूसरी बार विधायक बने हैं, मगर इस पानी से जनता इतनी परेशान हो चुकी है। कितनी बार इसकी रिक्वेस्ट कर चुकी है जनता, हर बार यानी जरा सी बरसात नेवी बरसात होती है तो भी ये पानी इसी तरह से रोड पे बहता है, लेकिन घाट गेट नगर निगम प्रशासन आंखों पे पट्टी बांध के एक तरह से बैठा हुआ है। 2-3 बार रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, मगर ना तो विधायक सुनता है और ना ही नगर निगम घाट गेट वाले सुनते हैं। इस चीज़ के बारे में यानी इतनी बड़ी लापरवाही है नगर निगम घाट गेट की, यानी जनता को इतनी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा रोज़ का आने जाना है यहाँ पे। जी सर, मैं हमेशा देखता हूँ यहाँ पे पानी की समस्या है। जी, कोई कपड़े पहन के आता है, लोगों की सीट लगते हैं। जी, तो लोग बात क्या बोलते हैं, भाई साहब सीटी क्यों लगा रहा है, हमेशा सुनता हूँ मैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि पानी कहाँ से आ रहा है, ना बारिश हो रही है ना कहाँ से हो रही है, पानी कहाँ से आ रहा है, मेरा कहना यही है। हाँ भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पानी की वजह से यहाँ पे कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, पर ये पानी कभी बंद नहीं होता है यहाँ से। इन भाई साहबों को कहना है कि इसके आने जाने यानी पानी जो बहता है रोड पे, इससे कई बार एक्सीडेंट हो चुका है और बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और ना तो विधायक इस चीज़ पे ध्यान देता है और ना ही नगर निगम इस चीज़ पे ध्यान देता है। यानी जनता बहुत दुखी है इस गंदे पानी बहने से, यानी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं जाकिर खान जयपुर से, मेरे साथ कैमरामैन इस्माइल खान।